क्या बागी 4 में भी नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ रिबेलियस अवतार में? क्या बागी 4 में सिया के रूप में नजर आएंगी सारा अली खान? क्या बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ लेंगे एडवांस ट्रेनिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। इस बात से तो आप अनजान नहीं कि बहुत जल्द आने वाली है बागी 4 बड़े पर्दे पर। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की अगली फिल्म बागी 4 बहुत जल्द हमें दिखाई देने वाली है बड़े पर्दे पर, और इस फिल्म में सुनने में आ रहा है फीमेल लीड के रूप में नजर आएंगी सारा अली खान। जहाँ टाइगर श्रॉफ बागी सीरीज की सारी फिल्मों में कॉन्स्टेंट रहते हैं, फीमेल लीड हर फिल्म में बदलती रहती है। पहली फिल्म में श्रद्धा कपूर थी, फिर बागी 2 में नजर आई दिशा पाटनी, बागी 3 में फिर से श्रद्धा कपूर, और अब बागी 4 के लिए नाम सामने आ रहा है सारा अली खान का। देखना दिलचस्प होगा क्या सारा अली खान नजर आएंगी बागी 4 में। ऐसा सुनने में आया था कि सारा अली खान ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के साथ एक फिल्म साइन कर ली है और वो बहुत जल्द टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बड़े पर्दे पर। तो ये तो पक्का है कि बागी 4 में नजर आएंगी सारा अली खान। इसी के साथ आपको बता दें कि बागी फिल्म में टाइगर श्रॉफ का किरदार था रोनी का। रोनी जो बहुत ही रिबेलियस पर्सन था और उसे सिया से प्यार हो जाता है। बीच में कई इंसिडेंट्स अनफोल्ड होते हैं, कई सारी चीजें, कई सारी साजिशों के बाद रोनी को पता चलता है कि सिया को किडनैप कर लिया है एक मार्शल आर्टिस्ट ने। अब भाई रोनी खुद मार्शल आर्ट्स में कम नहीं, तो वो जा पहुंचता है सिया को बचाने और फिर उसके बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इसी स्टोरी से मिलती जुलती स्टोरी हो सकती है बागी 4 की भी। और इसी के साथ साथ बागी में टाइगर श्रॉफ का जो मेन एसेंस है फिल्म के लिए, वो एसेंस ये है कि टाइगर श्रॉफ फिल्म में सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं। बागी से लेके बागी 4 तक उन्होंने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म किए हैं, और इसी वजह से हर फिल्म में उनका स्टंट्स का लेवल एक ऊपर चला जाता है। अब वो ट्रेनिंग तो लेते हैं, तो इसीलिए ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ लेंगे ट्रेनिंग, स्पेशल और एडवांस ट्रेनिंग लेंगे क्या वो। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।